तो क्या हाल है, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सच बताऊं ना तो आज मैं वीडियो नहीं डालने वाला था, लेकिन मैं फिर भी वीडियो डाल रहा हूँ। डेडिकेशन देख रहे हो मेरा? अजय घंटा, स्पॉन्सरशिप मिल गई होगी कोई? ना ना, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। ये दिल देखो मेरा। बात तूने दिल की जगह घोटे बना दिए। अरे ए मारो इसको। खैर, जब हमारा मन नहीं करता है कुछ करने को तो हम बहुत कुछ कर देते हैं। तो आओ देखते हैं हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के विद्यार्थियों की। तो आजकल रिजल्ट वाला माहौल चल रहा है, हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी होगी। न्यूज चैनल पे तो यही चलता है ना हमेशा, शर्मा जी के लौंडे टॉप कर रहे होंगे। और भाई जिस हिसाब से एग्जाम हुए है ना, पास तो सभी हो गए होंगे। देख रहे हो ना कितने मजे से एग्जाम दिए जा रहे हैं। अबे फिर भी तुम में तो अगर कोई फेल हो गए हो ना, तो सारे अपने पिछवाड़े पर जाकर लाल मिर्च को तड़का लगा लियो। भाई साहब गुट बने पड़े हैं यार इन लोगों के, मतलब तुम इनमें से किसी एक को चीटिंग करते पकड़ के दिखाओ। पूरी यूनिटी में रहते हैं बहुत से लोग। हाय हाय, नजर ना लगे तुम लोगों की दोस्ती पे। अबे इतना जोश ला कहाँ से रहे यार ये लोग, हमारे पास इतना नहीं था। हमें तो कॉलेज में जाके पता चला था कि स्टूडेंट्स के पास इतनी पावर रहती है, स्कूल में तो टीचर कूट दे हमें। और जिस हिसाब से इन लोगों का ग्रुप बना पड़ा है ना, मैं बता रहा हूँ साले हगने भी एक साथ जाते होंगे और दोस्ती के नाम पे एक दूसरे का पिछवाड़ा धो देते होंगे। बड़े तेजस्वी लोग हैं ये। क्या हो रहा है? अबे वही लौंडे जो एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसी बकैती करते हैं। एग्जाम खत्म हो गए रे, अब घर जाके देशद्रोही 2 देखूंगा। क्यों, के आर की तरह बाप लगता है? क्या हो रहा है बताओ? बैग फेंक दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसी बकैती सिर्फ लड़के ही कर रहे हैं, आजकल लड़कियां भी बकैती में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और जब रिजल्ट का टाइम आता है ना भाई साहब, तो लौंडे लोग आध्यात्म के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, जहां से उनको वापस लाना बहुत मुश्किल का काम है। हे गौ माता, बस बस पासिंग मार्क्स दिला देना। भगवान, मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। भगवान भगवान, मैं 100 रुपया पर मंथ चढ़ाऊंगा भगवान, पक्का भगवान, प्रॉमिस। पर कुछ लोग होते हैं जो इन सब मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके ना लाइफ में फंडे एकदम क्लियर होते हैं। उनको पता है कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए, इसीलिए वो भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं। ओ गॉड, एक बार दिला दे। और हॉस्टल में कैसी कैसी बकैती होती है ये तो आप लोगों को पता ही है। अबे माँ बाप भेजते हैं हमारा लौंडा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लौंडा ऐसी बकैती पेल रहा। उड़ा लो ना उड़ा लो, खुद ही कबूतर बन के उड़ जा सारे। क्या हो रहा है? मतलब इन लोगों के ना ग्रुप बने पड़े हैं यार, मतलब एग्जाम भी देने जाते हैं तो साले एक दूसरे के भरोसे पे जाते हैं ये लोग कि पास तो हमारा दोस्त करवा ही देगा। पर एक बात है, अत्यधिक भरोसा करना भी ना हानिकारक होता है, क्योंकि आजकल भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकलते हैं। कट गया, मुंह देखो जरा इसका। स्कूल टाइम में ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर इनको नौकरी एकदम बढ़िया चाहिए, वो भी आज के टाइम में। पता है ना जॉब खोजना कितना मुश्किल का काम है। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम सिर्फ एक सिंपल टेस्ट देकर अपने घर से ही अपने हिसाब का जॉब ले सकते हो तो कैसा रहेगा? आपको ये कोई रैंडम एडवर्टाइजमेंट लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही जॉब ली है सार्थक, निशा और शुभम जैसे कैंडिडेट्स ने। ये है रीलेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट, जिन सबकी अपनी ही एक स्टोरी है। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना कैरियर फिर से शुरू किया रीलेवल के जरिए बिजनेस डेवलपमेंट में। सार्थक ने कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया रीलेवल के जरिए। शुभम ने भी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया था और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना कैरियर रीस्टार्ट किया रीलेवल का टेस्ट देकर। सिर्फ एक टेस्ट और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। आप फ्रेशर्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, अगर आपको अपना कैरियर सही ट्रैक पे लाना है तो रीलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200+ कंपनी हायर करती है रीलेवल से, और आप इंडिया में कहीं भी रहते हो इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। और तो और रीलेवल की तरफ से प्लेस्ड कैंडिडेट को गुडीज भी मिलती है, और साथ ही हर मंथ top 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइस के तौर पर। रीलेवल ने अब तक 42 करोड़ बर्थ की जॉब डिलीवर करी हैं, और लास्ट मंथ ही 36 लाख बर्थ की जॉब डिलीवर हुई हैं डेली, और इनमें से कई सारे कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस द इंडिया। कुछ दिनों पहले ही रीलेवल ने 5 न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट देकर जॉब ले सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, HR एंड मेनी मोर। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं और
अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। करियर का स्टार्ट आपके पूरे करियर जर्नी को डिफाइन करता है। अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपनी मनचाही जॉब लेना चाहते हैं तो बस आप एक साइन अप दूर हैं। ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई डिग्री, बस ओनली स्किल। तो देख क्या रहे हो, चेक इट आउट टुडे। आजकल पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ गए हैं यार। इस प्राइस पॉइंट पे भी टंकी फुल कराने का मतलब भाई साहब अमीरी का सिंबल। तुमको अमीर बनना है? फॉर्मूला बताता हूँ मैं। मतलब आज के टाइम में अगर कोई टंकी फुल करा रहा है तो इसका मतलब भाई साहब वो अमीर ही होगा। लेकिन एक बात शायद आपको पता ना हो, टंकी फुल करना भी ना आर्ट है, कला है। रियली? जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको पब्लिक में हवाबाजी करनी है और लोगों को अपने अमीरी होने का एहसास दिखाना हो, चाहे आप अमीर ना भी हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। मेरे दिल नाले लारे नी तू लान मारिए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा। ये बढ़िया था गुरु। अब देखो मीटर खराब है या आपको पता है, हमें पता है, औरों को थोड़ी पता है। पर ये ट्रिक है ना तभी आजमाना जब टंकी में थोड़ी बहुत पेट्रोल हो, वरना मीटर फुल दिखा रहा हो तुम गाड़ी में धक्का मारते बढ़िया नहीं लगोगे। बे साले। भाई साहब पेट्रोल के प्राइस चाहे साले कितने ही बढ़ जाएं, महंगाई चाहे कितने ही बढ़ जाएं, लेकिन मोदी जी के सपोर्टरों में कमी नहीं आ रही है। वे अलग ही जोन में चल रहे हैं भाई साहब। दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, क्या कहेंगे भैया? देखो हमने एक बढ़िया एक महंगा प्रधानमंत्री पाला, तो देखो शेर पालने के लिए खर्चे भी महंगे हुए। अच्छा, तो 150 भी हो जाएगा। अब तो ये जिनको दहेज में मिली है दिक्कत उन्हें हो रही है, जिनकी अपनी गाड़ी उनको तो है पैसा। अच्छा, जिनकी दहेज में मिली है चलाने को पैसे है नहीं है सालों का। हमने तो अपनी घर ही चलाने को आएंगे, बिटलवा रहे भैया। ये किस दिशा में जा रहे हैं मोदी जी? एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम। अबे मोदी जी तो खुद आत्मनिर्भर बन गए, तुम कब बनोगे बे? सूत्रों के हवाले से पता चला आजकल मोदी जी खुद सब्जियां खरीदते दिखाई दिए गए। अरे बंदा ये देखो, हमने किसको देखा? गाइस जल्दी देखो मोदी जी, मोदी। क्या मतलब है ये हम सकल है? सच बताऊं तो मोदी जी कम मिर्जापुर के बापूजी ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी घर जाके अपनी नौकरानी को बोलेंगे अब से तुम हमारी मालिश करोगी कमरा में आके, हफ्ता में 4 दिन। वैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई है तो वो हुई है चोरों को। मतलब पहले भाई साहब लूटपाट करते थे, बाइक पे बैठते तो हिरन हो लेते थे, इसीलिए चोरों ने अब लूटपाट का नया तरीका निकाला है। मतलब पुराना ही हो सकता है, तो आप ना सावधान रहें, सतर्क रहें और ये वीडियो देखते रहें। मतलब घोड़े पे तो क्या हुआ भाई, चोरी भी ना करे उसे अपना घर नहीं चलाना क्या? ऐसे ही वो बाइक पे पेट्रोल डलवा के पैसा लुटाता रहे। और एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर चोरी करने वाला इंसान अनपढ़ गवार ही हो सकता है वो इंजीनियर हो जिसे जॉब ना मिली हो। एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम। क्या हो रहा है? वैसे पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे हैं, चेक करना पड़ेगा। पेट्रोल की नई कीमत 233.89 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अबे साले। अबे इतना? वहाँ के लोग का पेट्रोल सूंघ के काम चला रहे हैं? गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ इस दुनिया में बहुत गलत हो रहा है। खैर जाते जाते मैं थोड़ा परोपकार का काम करके जाऊंगा, ये मुद्दा ना थोड़ा सीरियस है, बट हो सकता है आप लोगों की मदद से उस भाई की जिंदगी, उसका घर बच जाए। बस आप लोगों को करना ये है कि ये वीडियो शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस भाई का मैसेज पहुंच सके, समझ रहे हो? देख लेना थोड़ा भाई की हेल्प हो जाएगी। हेलो, मैं बसौनी का रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला, जैया पाएंगे उसकी देंगे। जे हमरे औरत के ढूंढ के लाई वका हम 5,000 नहीं यार उतना ज्यादा हो गई। अरे चंदा मिला हमरे देते है मरते चंदा मिला कहा पैसा बात नहीं है। बाऊ जे हमरे महराव खेल ली उन्हें 4,000 रुपया दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा अगर मेरी औरत मिल गई कहीं दुनिया में। दुनिया में तो होवे के नहीं डॉक्टर साहब, कहूँ ना कहूँ। भाई साहब ये तो 4 दे रहा, एक मैं अपनी तरफ से दूंगा, टोटल हो गए 5,000। उस गंगाराम के लौंडे को साले को पकड़ के लाओ, हमारे भाई की लुगाई को लेके भाग गया, ये कोई बात है? साला रात भर जाग के भाई ने दही जमाई और लस्सी साला गंगाराम का लौंडा पी रहा है। यार खसका है मूड जब से भाग गई बहू। शेयर करो तुम इस वीडियो को, साले गंगाराम के लौंडे की ना गिच्ची खोदनी। और अगर पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन है तो गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ब्लॉग्स देखने के शौकीन है तो ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर हमारी थूत देखने के शौकीन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और ज्यादा बकैती पसंद करते तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। प्रमोशन हो गया, चलो भैया। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।